अतिशय कठिन है। हरि भक्ति सुदुर्लभा, भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, सातु साधन साहस्रेहि, हरि भक्ति सुदुर्लभा, भगवान की भक्ति दुर्लभा नहीं है, सुदुर्लभा। कागोसुंदरी जी ने विचार किया, सरकार ने सारी दुकान हमारे सामने खोल दी, ये ले लो ये ले लो, भोग ले लो, ऐश्वर्य ले लो, मोक्ष ले लो, रिद्धि ले लो, सिद्धि ले लो, सब ले लो, पर इसके बाद भी ये भक्ति क्यों नहीं देना चाहते। नाथ सकल सुख देने जो कही, भक्ति आपनी देन न कही, क्या बात है क्यों नहीं देना चाहते हैं। बहुत बुद्धिमान कागुसुंड जी वो समझ गए कि इनकी दुकान का जितना सौदा है वो उतना कीमती नहीं है, इस बाहर जो लटका रखा है रिद्धि सिद्धि भोग योग मोक्ष ऐश्वर्य, ये सब दुकान में लोग सजा के रखते हैं ना, और बहुत कीमती कोई मणि या रत्न होता है उसको तिजोरी में बंद करके रखते हैं। इसका मतलब है तिजोरी में बंद जो अमूल्य निधि है वो भक्ति है। महाराज हमको आपकी दुकान की कोई वस्तु पसंद नहीं है, आप अपनी भक्ति कृपा करके दे दें। सरकार द्रवित हो गए, बोले सुनु बायसते परम सयाना काहे न मांगीसी असबरदाना। सयाना और परम सयाना, महाराज जी कहते थे ज्ञानी सयाना है और भक्त परम सयाना है, क्योंकि ज्ञानी मुक्ति प्राप्त करके संतुष्ट हो जाता है, कैवल्य पा करके तृप्त हो जाता है, और भक्त कैवल्य को पाकर भी तृप्त नहीं होता, वो तो भगवत चरणारविंद में विमल अमल अनुराग चाहता है, तो वो परम सयाना है। भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ। कैसे प्राप्त हो? जैसे विद्वान की कृपा से विद्या की प्राप्ति होती है, जैसे धनवान की कृपा से धन की प्राप्ति होती है, ऐसे ही भगवान के प्राण प्यारे प्रेमी भक्तों की कृपा से, संतों की कृपा से भगवत भक्ति प्राप्त होती है। राम भगति अनुपम सुख मूला, मिले ही जो संत होई अनुकूला, संतों की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है। और दूसरा कोई भक्ति प्राप्ति का उपाय नहीं है। संत मुक्त हस्त भक्ति का दान करते हैं, पर उसमें भी तीन लोगों को भक्ति प्राप्त हो जाए इसमें कठिनाई है। तो शास्त्र वचन है, किन तीन लोगों को भक्ति प्राप्त हो जाए ये कठिन है। राजा का भक्त होना कठिन है, राजा को भक्ति प्राप्त होना कठिन है, इसलिए प्राप्त होना कठिन है कि भक्ति जिसे, भक्ति का अधिकारी कौन है, जिसके अंतःकरण में दैन्य का आविर्भाव हो चुका हो। इसलिए श्री वल्लभाचार्य श्री गोसाई विठलनाथ जी ने एक जगह कहा है, यद दैन्यम त्वत् कृपा हेतु स नास्ति ममाण्वपि। एक जगह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं विठलनाथ जी महाराज, गोसाई जी कहते हैं, हे प्रभो अब मुझे पता चला है आपकी प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति जो जिस आपकी कृपा करुणा से प्राप्त होती है, वो जो कृपा जिस कृपा से रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होती है, उसका हेतु उसका निमित्त उसका कारण क्या है, उसका हेतु क्या है। कहते उसका एकमात्र हेतु है दैन्य, यद दैन्यम त्वत् कृपा हेतु स नास्ति ममाण्वपि, वह तो मुझमें अणुमात्र भी नहीं है। हमारे महाराज जी कहते थे हमारे भीतर दीनता है, ये दीनता नहीं है, ये अभिमान है, इसलिए मेरे भीतर अणुमात्र भी दीनता नहीं है, ये दीनता की पराकाष्ठा है। वेदांत कामधेनु में श्री निम्बार्क भगवान कह रहे हैं, निम्बार्काचार्य जी महाराज कह रहे हैं, बोले कृपास्य दैन्याद युजुप प्रजायते, भगवान की कृपा जब जीव पर होती है और भगवान उसे अपने भक्ति का प्रेम का अधिकारी बनाना चाहते हैं, उसके अंतःकरण में दैन्य प्रकट कर देते हैं।